प्राणायाम का क्या नाम है? रैपिड अनुलोम विलोम, यानी कि तीव्र गति का अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम जो है जोर और झटके के अंतर्गत आता है। इस प्राणायाम में प्रत्येक बार सांस बहुत जोर से ली जाती है और प्रत्येक बार बहुत झटके से सांस को छोड़ी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि अगर हम घर में किसी कारपेंटर को बुलाएं और कहें दीवार पे कील गाड़ना है, तो हथौड़ा वो तेज से उठाता है और झटके से मारता है कि कील दीवार में चला जाए। वही बात इस प्राणायाम में है कि प्रत्येक बार सांस हमको बहुत जोर से लेनी है और छोड़नी झटके से है। प्रक्रिया मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। प्रक्रिया क्या है कि पहले हम अपान मुद्रा इस तरीके से अपने सक्रिय हाथ से बनाएंगे। दाई नासिका को ऐसे बंद करके बाएं से पहले सारी सांस बाहर निकालेंगे ऐसे, फिर बाएं से जोर से सांस लेंगे, दाएं से झटके से फेंकेंगे, फिर दाएं से जोर से, बाएं से झटके से। जब इस चीज को हम तेज तेज करते हैं तो नाम आ जाता है रैपिड अनुलोम विलोम, यानी कि इस प्रकार तो हम तब तक करेंगे जब तक आराम से कर पाए। जब करने में दिक्कत होने लगी तो क्या करेंगे, बाएं से सारी सांस बाहर को फेंक देंगे और हमारा एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, क्योंकि प्राणायाम का इसमें मेन सिद्धांत है कि कोशिकाओं पे प्रेशर पड़े, इसलिए सांस हमें लेनी बहुत जोर से है और छोड़नी एक झटके से है। और नाम प्राणायाम का क्या है? तीव्र गति का अनुलोम विलोम, यानी कि रैपिड अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए तो